बीजेपी में सारे नेता टाइगर हैं, ये कहना है प्रदेश की शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी उषा ठाकुर का। उषा ठाकुर ने ये बात एमपी न्यूज से खास चर्चा के दौरान कही। देखिए ये खास बातचीत। मध्य प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा नाम और अब शिवराज कैबिनेट में एक बड़े ओहदे पर विराजमान होने वाली है महू की विधायक उषा ठाकुर जी। सीधी बात करते हैं, कौन से वो समीकरण थे और कैसे अब भारतीय जनता पार्टी में वो एक नई ऊर्जा का संचार करेंगी और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की सेवा के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएंगी। सबसे पहले मंत्री महोदया, किस तरह से ये समीकरण बने, क्या पहले कभी कोई कल्पना की थी कि मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा, कैबिनेट मिलेगा और इंदौर का इतना बड़ा ओहदा? कोई कल्पना नहीं, कभी नहीं। संगठन जो निर्णय करता है बस वही सर आंखों पे रख के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। आपने शपथ ले ली है, क्या प्राथमिकताएं होंगी, क्या आपने तय किया है अपनी विधानसभा के लिए और इंदौर के लिए और खासतौर पर मध्य प्रदेश के लिए, चूंकि अभी विभागों का बंटवारा होना बाकी है, ऐसे में क्या प्राथमिकताएं होंगी जनता की? अभी तो महन जी यही कि भाई 2 दिन तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि सोमवार मंगलवार वहीं रहना होता है, एक दिन विभाग की समीक्षा होती है, दूसरे दिन कैबिनेट की बैठक होती है। उसके बाद 2 दिन तो मैंने तय सोचा है कि कम से कम अपनी विधानसभा के प्रत्येक बूथ तक के लिए, क्योंकि मैं बूथ की कार्यकर्ता हूं और मैं उसको कभी छोड़ नहीं सकती, तो मंडलवार करूंगी धीरे धीरे। अभी 7 दिन जाती थी, लगातार जाती थी, अब काम हमारा मंडल अध्यक्षों के बीच में विभाजित है। मेरा हर कार्यकर्ता बूथ का सजग सेनानी है, तो हम सब निरंतर उसको मिलजुल के वैसे ही व्यवस्थित चलाते रहेंगे। अच्छा, मंत्री बनने का श्रेय किसे देंगे, क्योंकि आपके बारे में कहा जाता है अजय योद्धा हैं, अभिजीत हैं, उषा ठाकुर जी ऐसा नाम है कि जिस विधानसभा से लड़ा दो वहाँ से जीत कर आती हैं, तो इसका श्रेय किसको? इसका श्रेय सिर्फ कार्यकर्ताओं को, ये कि श्रेय एक नेता को मिल जाता है कि मैं जीत गई, पर ये भ्रम जो पाले, मुझे लगता है उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं हो सकता। ये जीतता कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता की जिद, उसका जुनून, उसकी प्रतिष्ठा। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखिए कार्यकर्ता कि मैं सब पर मेरे गांव से पार्टी नहीं आ सकती, कोई कुछ भी कर ले, तो वो भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ मानते हुए उसकी प्रतिष्ठा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है। और कार्यकर्ताओं का ये जिद, ये जुनून, ये समर्पण, ये पार्टी से प्रेम जीत दिलवाता है। जीत के मंत्र बहुत सारे हैं, आने वाले समय में उपचुनाव भी हैं, सांवेर की भी एक महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है, क्या कोई प्राथमिकताएं तय हैं, क्या कोई रणनीति है? अब मंत्री चूंकि आप बन गई हैं तो लोकप्रियता के नाते उस क्षेत्र को भी देखना होगा, कैसे कोई रणनीति? एक मंडल की जिम्मेदारी है मेरे पास, माने स्वर्गीय प्रकाश जी सोनकर मंडल के, तो उस मंडल में मेरी तो जो पद्धति है, मैं बूथ से जाऊंगी, बूथ से बैठक करूंगी और मुझे भरोसा है कि हर बूथ से प्रचंड मतों से जीत मिलेगी भारतीय जनता पार्टी। कुछ समय पहले शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी कह रहे हैं कि टाइगर जिंदा है, कमलनाथ कह रहे हैं कि तरह तरह के टाइगर होते हैं, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ये जो है इसको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट से जोड़कर देख रहे हैं, तो आप क्या मानती हैं इस टाइगर पॉलिटिक्स? टाइगर जो है वो वीरता का प्रतीक है, वो शासन का प्रतीक है, वो अनुशासन का प्रतीक है, और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता टाइगर है। एक परिवार में एक व्यक्ति तो होता नहीं है, बड़ा कुनबा है, पीढ़ी दर पीढ़ी टाइगरों की श्रृंखला। आप क्या है मध्य प्रदेश की राजनीति में, क्या आप भी अपने आप को टाइगरिस्ट मानते हैं? मैं सेविका हूँ, सच्चे भाव से ईमानदारी से सेवा करती रहूँगी। चलिए आखिरी में मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या खास है? मध्य प्रदेश की जनता से करबद्ध प्रार्थना है कि जो दायित्व मिला उसकी निगरानी करे, यदि हमसे कहीं गलती हो तो शीघ्र उसका सुधार करें, उनकी समस्याओं के समाधान में प्राणपण से काम करेंगे, सेवा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, ऊर्जावान चेहरा है और राजनीति में जीत का मंत्र है उषा ठाकुर जी के पास, यही वो वजह है कि शिवराज कैबिनेट में जो है उन्हें एक बड़ा ओहदा मिला है और आने वाले दिनों में उनकी प्राथमिकताएं और जनता की सेवा की भावना भी इसी तरह से अभिव्यक्त होगी। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP News, इंदौर।